Muzaffarpur Police of Bihar has got a big success. In fact, the notorious criminal Roshan Kumar, wanted in many condos, has been arrested. It was told that criminal cases are registered against the notorious Roshan in other districts, including Muzaffarpur. In the same year, 2021, there was a case of extortion and firing on a construction company in Turki police station area. In this case, the police had already arrested many criminals and sent them behind the bars. But Roshan was absconding for many years and had a reward of ₹25,000. The same police was continuously engaged in raids for his arrest. Based on information, he was arrested near Wazidpur, Kudariya Bihari Market. City SP Avdhesh Saroj Dixit gave information about the above matter in a press conference. 2021 में तुर्की ओपी जो वर्तमान में अभी तुर्की थाना है उसमें रावत कंस्ट्रक्शन के यहाँ पर 19/5/2021 को एक रंगदारी मांगने की और 6 अभियुक्तों के द्वारा फायरिंग करने की घटना कारिज की गई थी। उसमें FIR दर्ज की गई थी और उस टाइम पे भी रिकवरी की गई थी और अनुसंधान के क्रम में केस का उद्भेदन हुआ था और उद्भेदन में 5 लोगों की ऑलरेडी गिरफ्तारी हो चुकी है और उनमें से जो एक व्यक्ति बचा हुआ था जिसका नाम रोशन कुमार है, पेशर उनके फादर का नाम वीरेंद्र सिंह है और ये मदन छपरा पारू के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी बची हुई थी। तो DCP के यहाँ से भी SSP सर के द्वारा 25,000 का इस व्यक्ति के ऊपर रिवॉर्ड घोषित किया गया था। तो पहले से भी STF और लोकल पुलिस इसकी गिरफ्तारी के लिए काफ़ी प्रयास कर रही थी और कल इसको वाजिदपुर कुदरिया बिहारी मार्केट से गिरफ्तार किया गया है और इसने कबूल भी किया है और इसने बताया भी है कि कैसे ये लोग 6 लोग थे जो घटना कारित किए थे। और उसके अलावा भी ये व्यक्ति पहले भी कई केसेस में इसका नाम है। ये पुराना जो तुर्की ओपी था उसमें ये इसके अलावा और भी रंगदारी के केसेस, आर्म्स एक्ट के अंदर में केसेस, अटेम्प्ट ऑफ लूट और 397 जो कि बहुत ही हीनियस केस है, उन सब में भी ये नामित रहा है। इसके अलावा सीतामढ़ी में भी इसका एक 2019 में कांड मिला है हमको। तो ऐसे वर्तमान में हमारे पास में इसके 6 कांड हैं जिनमें इसका नाम आया है और ये हमारी आज की एक अचीवमेंट रही।